दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार मैसेज करोगे तब भी वही बात है, यदि 100 बार करोगे तब भी वही बात है। मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि मात्र 19 फरवरी तक के ही फॉर्म अभी तक अपलोड हुए हैं, ठीक है। यानी 19 फरवरी 2020 तक के फॉर्मों को ही अभी तक अपलोड किया गया है, और उसके बाद के जितने भी फॉर्म हैं वो अभी शेष अभी वेरीफाई पड़े हुए हैं, और आपके जो फॉर्म हैं ये अति शीघ्र ही आपके अपलोड कर दिए जाएंगे कुछ महीनों पश्चात, ठीक है ना। तो आपको अनावश्यक रूप से मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 1 जुलाई आएगी आपके फॉर्म ऑटोमेटिक तरीके से साथियों अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जिसके फॉर्म पहले वेरीफाई हुए हैं उनके फॉर्म 1,60,000 की योजना में यदि आप शामिल होते हैं तो आपके फॉर्म अपलोड हो जाएंगे। यदि आप 1,60,000 की योजना में शामिल साथियों नहीं हो पाते हैं तो हो सकता है कि आपके फॉर्म कुछ महीनों के बाद अपलोड होंगे। लेकिन ध्यान रखना आप कि कई बार क्या होता है, जो एज होती है उसको भी पहले वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। यदि आपसे पहले किसी का वेरीफाई फॉर्म बाद में होता है, आपका पहले होता है लेकिन उसकी उम्र क्या होती है आपसे ज़्यादा होती है, तो बड़ी उम्र वाले को पहले वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्म पहले अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो कई साथी बार बार कमेंट्स करते हैं कि हमारे कुछ साथी हैं जिसकी हमारे से उनका फॉर्म बाद में वेरीफाई हुआ था लेकिन उनका पहले अपलोड कर दिया गया, ठीक है ना। इसका रीज़न यही है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसके फॉर्म को पहले अपलोड किया जाता है ताकि वो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके साथियों, ठीक है। शाम को एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वह घंटी की बटन को दबाना साथियों न भूलना, जिससे जो भी अपडेट आए आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।